बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट थर्ड, कोर्स एसएसएससी 311 मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं सॉयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन की दूसरी तकनीक के बारे में बताऊंगा, एजोटोबैक्टर प्लेट परीक्षण। विनो ग्रडसाइड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि सूक्ष्म जीव कुछ पोषक तत्वों के अभाव में उच्च पौधों की भांति लक्षण दर्शाते हैं। यह देखा गया है एजोटोबैक्टर नामक जीवाणु कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश की कमी होने पर विशिष्ट आचरण करते हैं तथा इनकी संख्या सुलभ पोषक तत्वों की मात्रा के समानुपाती होती है। इस प्रकार इस विधि से मृदा उर्वरता का मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। अगली टेक्निक है एस्परजिलस नाइगर विधि। इस विधि द्वारा P2O5 व K2O के निर्धारण के लिए उपयुक्त फ्लास्कों में, जिनमें पहले से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का विलयन होता है, मृदा की अल्प मात्रा में डाला जाता है। फिर 4 दिन तक फ्लास्कों में उचित तापमान पर रखा जाता है। कपक जाल के पैड के भार से मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी को पता लगाया जाता है। मेहलिक वैज्ञानिक ने एक अधिक सुधरी हुई तकनीक निकाली जिससे कवक जाल के पैडों का विश्लेषण किया जाता है। यह परीक्षण कापर, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट आदि पोषक तत्वों की कमी और उपस्थित की जानकारी के लिए उपयुक्त होता है। अगली तकनीक ए मान वैल्यू। यह तकनीक सर्वप्रथम 1992 में फ्राइड एवं डीन ने विकसित की थी, जिसे मृदा में मुख्यतः सुलभ फास्फोरस का निर्धारण करने में प्रयुक्त किया जाता है। रेडियोएक्टिव फास्फोरस, जो P32 युक्त फास्फोरस की मात्रा को मृदा में डालकर उपयुक्त सूचक पौधा लगाया जाता है तथा उसमें मृदा एवं फास्फोरस की अवशोषित मात्रा पृथक पृथक ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र निम्नलिखित है, A=B ब्रैकेट में A-Y/Y, जहां पर ए मृदा में प्राप्त फास्फोरस होता है, बी मृदा में डाली गई फास्फोरस की मात्रा होती है, वाई पौधे में उर्वरक फास्फोरस का अंश होता है। अनाज फसलों के लिए निम्न मापदंड प्रयोग किए जाते हैं। फास्फोरस की अपेक्षित अनुक्रिया का ए मान 10.5 ppm होता है। फास्फोरस की संभावित अनुक्रिया का ए मान 15.25 ppm होता है। वर्तमान में सल्फर की प्राप्यता की जांच के लिए यह विधि प्रयोग की जाती है। पादप विश्लेषण प्लांट एनालिसिस। मृदा उर्वरता के निर्धारण में यह एक उत्तम वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक एल्ड्रिन ने 1967 के अनुसार पादप विश्लेषण निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पौधों में पहला है पौधों में दृश्य अभाव के लक्षण, दूसरा पौधों में अदृश्य भूख की पहचान, तीसरा अभावग्रस्त मृदाओं में सीमांकन करने के लिए। चौथा है उर्वरक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, पांचवा पौधों में पोषक तत्व के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए। सामान्य रूप से 3 प्रकार के पादप विश्लेषण होते हैं। पहला है रासायनिक विश्लेषण, दूसरा है स्पेक्ट्रोग्राफिक पादप विश्लेषण, तीसरा है ऊतक परीक्षण या छिप ऊतक परीक्षण। पहला रासायनिक पादप विश्लेषण, केमिकल प्लांट एनालिसिस। रासायनिक पादप विश्लेषण द्वारा पादप पोषक तत्वों के साधारण संचय एवं
पौधों एवं उसके किसी अंग में तत्वों की परस्पर क्रियाओं की अच्छी जानकारी हो जाती है। ये तकनीक मृदा में किसी भी पोषक तत्व के स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि के अंतर्गत पौधे अथवा उसके किसी अंग पर अम्ल का निष्कर्ष निकालकर नाइट्रोजन के अलावा किसी भी पोषक तत्व का निर्धारण किया जाता है, मुख्यतः फास्फोरस, पोटास, सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रमाणिक विधियों द्वारा निर्धारण किए जाते हैं तथा प्रत्येक तत्व के पूर्व निर्धारित क्रांतिक स्तर से तुलना करके सुलभ पोषक तत्वों की मात्रा का आकलन किया जाता है। नाइट्रोजन का निर्धारण जलडाल विधि द्वारा किया जाता है। किशन मूर्ति एवं उसके साथियों ने 1961 में धान में कुछ पोषक तत्वों के क्रांतिक अवस्थाएं दी जो निम्नलिखित हैं। पौधों में पोषक तत्वों की क्रांतिक स्तर, नाइट्रोजन less than 1.5%, फास्फोरस less than 0.2%, पोटेशियम less than 0.4%, सल्फर less than 0.15 से 0.2%, कैल्शियम less than 0.2%, मैग्नीशियम 0.1 से 0.2%, जिंक less than 20 ppm, आयरन less than 50 ppm, मैग्नीज less than 20 ppm, कॉपर less than 4 ppm, बोरान less than 1 ppm, मॉलिब्डेनम less than 10 ppm। पादप विश्लेषण से प्राप्त पोषक मान यदि क्रांतिक मानों से कम होते हैं तो पोषक तत्वों की पौधों में अत्यधिक कमी होती है और मृदा की उर्वरता भी न्यूनतम या कम होती है। भिन्न भिन्न पोषक तत्वों के विभिन्न पोषक तत्वों का क्रांतिक अंतर भिन्न भिन्न होता है।